बरसक की प्रसिद्ध समाज सेवी सीताराम भारदास कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और सांसद अनुराग ठाकुर ने पटका पहनाकर बीजेपी में शामिल किया। सीताराम भारद्वाज के साथ 400 लोगों ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, जिसमें कैप्टन रोशन लाल, कर्नल प्रेम सिंह चौधरी, कर्नल रणजीत सिंह बनियाल और कई महिलाओं सहित लोगों ने भाजपा का दामन थामा। इस अवसर पर सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के समय बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, विकास की गति रुक गई थी, जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी है देश का विकास हुआ है। खेल महाकुंभ में 1400 टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें जीतने वाले खिलाड़ियों को 20 लाख रुपए के नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। बरसक में 20 जुलाई से पहले सांसद स्वास्थ्य मोबाइल सेवा शुरू करने का आश्वासन दिया है। सांसद अनुराग ठाकुर ने बताया कि दिवाली तक हमीरपुर रेलवे लाइन का काम शुरू हो जाएगा, जिसके अतिरिक्त बरसक में केंद्रीय विद्यालय खोलने का भी आश्वासन दिया है। सीताराम भारद्वाज जी जो कांग्रेस के सचिव रहे, पिछला चुनाव भी लड़ा, हजारों वोट भी डाले, आज वो भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आज बड़सर विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने शामिल हुए। मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से उनका दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है उनका और उनके सहयोगियों के आने से पार्टी को और बल ताकत मिलेगी और 2019 में जो हम सब ने लक्ष्य रखा है कि मोदी जी को 300 सीट जिताकर देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, हम हिमाचल की चारों सीटें। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सीताराम भारद्वाज को बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने पर बधाई देते हुए कहा कि सीताराम भारद्वाज के बीजेपी में शामिल होने पर बरसक में भाजपा को मजबूती मिलेगी। सीताराम भारद्वाज ने कहा कि मुझे देश की सबसे बड़ी पार्टी में शामिल होने का मौका मिला है, जिसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और सांसद अनुराग ठाकुर का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर बरसक के पूर्व विधायक बलदेव शर्मा, एपीएमसी के नव नियुक्त अध्यक्ष अजय शर्मा, जिला परिषद अध्यक्ष राकेश ठाकुर सहित कई भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इनका भी हम जो इन्होंने अपने तीसरी बार ये सांसद हैं और इन्होंने इस प्रदेश के लिए जो किया है वो कभी किसी ने नहीं किया है, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं।